नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हिमालय एजूह हब परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं प्यारे विद्यार्थियों हिमालय एजू हब आप सबके लिए जो पशु परिचर्य की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उन सबके लिए राजस्थान जीके के स्पेशल एपिसोड लेकर आया है और आपकी पहली क्लास राजस्थान भूगोल होने जा रही है और आज राजस्थान की भूगोल में हम लोग राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और राजस्थान के सामान्य परिचय में तीन सब टॉपिक हम डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं और तीन सब टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास है राजस्थान का नामकरण और ऐतिहासिक महत्व नंबर दो है हमारे राजस्थान की स्थिति और विस्तार और नंबर तीन है राजस्थान का क्षेत्रफल तीन बड़े टॉपिक जो हमारे सब टाइटल के रूप में रहेंगे आज कवर करने वाले हैं और साथियों बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू आप एमसीक्यू की संख्या मत देखना आप देखना कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उन क्वेश्चन की जो व्याख्या है यानी मैं देसी भाषा में यूं कहूं एक हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा बहुत गजब तरीके से क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करके छोड़ेंगे जितने भी उस क्वेश्चन के लिंक बनेंगे 10, 15, 20, 25 जितने पॉइंट बनेंगे सारे शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं तो साथियों एक घंटे तक सभी विद्यार्थी पूरा दिमाग फोकस करते हुए पूरे दिमाग को एकाग्र करते हुए आप यहां ध्यान देंगे और आज हम लोग राजस्थान भूगोल यानी कि राजस्थान की, की ज्योग्राफी हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं तो लाडले बच्चों राजस्थान की ज्योग्राफी जो, जो कि आप जानते हो बड़ा अपडेट इन दिनों में चल रहा है और उन अपडेट को ध्यान में रखते हुए और सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग यहां पर एजेंसी रिपोर्ट ध्यान रखेंगे एग्जाम एजेंसी जो है हम लोग भूल सब डेटा को ध्यान में रखेंगे और हमारी सरकारी एनसीआर के डेटा को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को सोल्यूशन इसका करने जा रहे हैं चलिए इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय हम लोग हमारे इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय में भी तीन सब टॉपिक आपके इसके अंदर रहने वाले हैं वो तीन सब टॉपिक कौन से कौन से रहेंगे नंबर एक है हमारे राजस्थान का नामकरण और ऐतिहासिक महत्व सबसे पहले नामकरण और ऐतिहासिक महत्व को जरा समझेंगे क्या क्या हमारे राजस्थान का इतिहास में महत्व है खास करके इसके नाम को लेकर वो हम लोग टारगेट में रखने वाले हैं इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा हमारे राजस्थान की स्थिति हमारे राजस्थान की स्थिति टारगेट करेंगे लोकेशन एंड एक्सपेंशन स्थिति और विस्तार दोनों बिंदुओं को फिर यहां गहराई से हम लोग समझेंगे और विस्तार के बाद तीसरा पॉइंट हमारा इसमें कवर होने वाला है राजस्थान का क्षेत्रफल फल ये तीन बिंदु आज हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाट सिद्धू अंकित नवदीप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थी बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक करते रहे शेयर करते रहे और साथ साथ में अपने विद्यार्थियों तक शेयर कर दे और आज ये ये बिंदु हम लोग अच्छे से समझने और करने वाले हैं चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो क्या कहता है राजस्थान में से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य वृक्ष है कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पहले कई बार पेपर में आ चुका है प्रयोगशाला सहायक में आ चुका है और ये आरपीएससी प्रवक्ता में आ चुका है तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में इक्कीस क्वेश्चन पूछा जा चुका है मार्केट आपको भी गुड इवनिंग चलिए ज्यादा हम लोग दिमाग को इधर उधर न घुमाते हुए सीधा फोकस करते हैं टू द पॉइंट हमारी बात को समझने की कोशिश करते हैं साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राज्य वृक्ष कौन सा है तो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी होगा हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा होगा हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी होगा चलिए अब खेजड़ी की पूरी बात मैं आपको खोल के बता देता हूं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आप यहां पर देख रहे हैं खेजड़ी इस खेजड़ी का विज्ञानिक नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा खेजड़ी का विज्ञानिक नाम क्या है तो आपको बता दूं इस खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस या प्रोसोपिस भी कहा जाता है इसको प्रोसेपिस सीनेरिया के नाम से जाना जाता है इसे प्रोसेपिस सीनेरिया के नाम से जाना जाता है यह जो खेजड़ी है इस खेजड़ी का एक शानदार वाला उपनाम भी है बहुत ही गजब का इसका एक उपनाम भी बनता है हमारे खेजड़ी का और खेजड़ी का उपनाम है इसे बोलते हैं वृक्षों में राजस्थान का गौरव इसे वृक्षों में राजस्थान का गौरव बोलते हैं यदि यहां पर दुर्ग आ जाए तो चित्तौड़ होगा केवल वृक्ष केन्द्र पूछा है कि राजस्थान का गौरव बताइए तो ही खेजड़ी होगा यदि दुर्ग पूछ ले राजस्थान का गौरव किसे बोलते हैं तो चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है अब देखिए ये जो खेजड़ी वृक्ष है इस खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है हमारे राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा जिस दिन होती है वो एक त्यौहार है उस त्यौहार का नाम है दशहरा पर्व इस त्यौहार पर पूजा होती है अब देखिए इसकी जो हरी फलियां होती है ये क्वेश्चन बड़ा काम में आता है इसकी हरी फलियों को किस नाम से जाना जाता है और इसकी हरी फलियों को सांगरी के नाम से जाना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार राजस्थान की सबसे विशेष सब्जी पंचकुटा में काम आती है सांगरी इसके जो पत्ते होते हैं इनके जो पतियां होती है पतियों से चारा बनता है साथियों ये पतियों से जो चारा है या पत्ती का एक प्रकार से चारा ही होता है वो तो उसको लूम के नाम से जाना जाता है ये बकरियों के लिए बड़ा विशेष उनका बहुत ही गजब का नाश्ता होता है बकरियां इनको बड़े चाप से खाती है संस्कृत भाषा में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है संस्कृत भाषा में खेजड़ी वृक्ष को शमी वृक्ष के नाम से जाना जाता है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है खेजड़ी के बहुत सारे नाम हैं। खेजड़ी को कई नामों से जाना जाता है हरियाणा के लोग इसको जानटी के नाम से जानते हैं इसको जंटिया पंजाब हरियाणा के लोग जानटिया जंट के नाम से भी इसको जाना जानते हैं इसके अलावा साउथ में जाते हैं तो इसको दक्षिणी भारत में इसको पे मे के नाम से भी जाना जाता है और इसको कन्नड़ के लोग इसको बन्ना बन्नी के नाम से भी जानते हैं बिल्कुल हाँ ये बन्ना बन्नी राजस्थानी वैसे शब्द आप देख रहे हो खेजड़ी को भी बन्ना बन्नी के नाम से भी जाना जाता है इसी खेजड़ी को हमारे शेखावाटी अंचल में खेलडी के नाम से भी जानते हैं खेलडी भी इसी को बोलते हैं खेजड़ी भी इसी को बोलते हैं जांटी भी इसी को बोलते हैं जंट भी इसी को बोलते हैं और इसको संस्कृत भाषा में इसको आ, आपको बता दें शमी वृक्ष के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिक रूप से इसको सिनेरिया के नाम से जाना जाता है जितने भी हमारे सुंदर सुंदर फैक्ट बनेंगे सारे फैक्ट साथियों आपने यहां पर गजब तरीके से कवर किए ये हमारे खेजड़ी से जुड़े हुए सवाल थे और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या खेजड़ी चलिए हो गया अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है इस बात को गहराई से देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको तीन बातें यहां पर दिमाग में सेट करनी है और तीन बातों में एक तो पक्षी है वृक्ष है और पशु है सबसे पहली बात कहता है पक्षी क्या गुडावन हमारा पक्षी है गुडावण पक्षी तो है फिर कहता है वृक्ष बबुल बबुल हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं है यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा काट दीजिए कह रहा है कि राजस्थान का राजकीय पक्षी मोर मोर राजकीय पक्षी नहीं है मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है यानी यह ऑप्शन भी गलत हो गया जो पूछ रहे उसके अकॉर्डिंग कबूतर कबूतर तो संदेश देने का काम आता था कबूतर जा 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 सजन के देश कबूतर यह काम आता था राजस्थान का राजकीय पक्षी कभी कबूतर नहीं रहा या आजकल हरियाणा में कबूतर उड़ता है उडया उडया कबूतर अब पता नहीं वो कहां कहां उठ जाता है कई बार तो ये नहीं काम करेगा कबूतर गाट काट दो इसको क्या कहता है राज्य पक्षी गोडावन राइट राज्य वृक्ष अभी हो खेजड़ी राइट राज्य पशु चिंकारा चिंकारा छोटे हिरण को बोला जाता है बोमाराम जी आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं राजस्थान के कोने कोने से हमारी क्लास में विद्यार्थी जुड़े हैं जैसलमेर फलोदी बाडमेर जालोर सांसौर ऐसी तकड़ी तकड़ी भूमि से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं उन तमाम विद्यार्थियों का मैं दिल की 100 फुट की गहराई से मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं चलिए अब आपको यह तो कन्फर्म हो गया इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा गोडावन खेजड़ी और चिंकारा ओके रिपोर्ट बिल्कुल ओके रिपोर्ट है अब पोस्टमार्टम करते हैं गोडावन का अब हम खोलते हैं गोडावन की पूरी कुंडली खोलते हैं गोड़ावन हमारे राजस्थान में क्या है और गोडावन किस तरीके से गोडावन को हम लोग इसको बड़ा इंपोर्टेंट मानते हैं और किस किस हिसाब से जरा देखिएगा गोड़ावन की बात करते हैं लाडलो बच्चों गोडावन को जरा डिटेल से देखते हैं गोडावन क्या कहना चाहते हैं गोड्डावन की सीधा सीधा आपसे पूछा जाए बताइए गोड्डावन की राजस्थान में शरण स्थली किसे माना जाता है तो राजस्थान में गोड्डावन की राष्ट्रीय मरु उद्यान को माना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान को गोडावण की शरणस्थली मानते हैं और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो आप देख रहे हैं यह राजस्थान के दो जिलों में फैला हमारा एक अभ्यारण्य है एक तो यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में फैला हुआ है और दूसरा यह राजस्थान के कौन से बाड़मेर जिले में फैला हुआ है तो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ बत्तीसौ वर्ग किलोमीटर का एक अभ्यारण्य है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य ये हमारा माना जाता है ओके राजस्थान के तीन प्रदेश के अंदर हमारे तीन अलग अलग क्षेत्र है तीन वो प्रदेश कौन से कौन से हैं, जहां पर आपको गुड़ावन पक्षी देखने को मिलता है एक नंबर तो आप यहां पर देखेंगे वो हमारा है राष्ट्रीय मरु उद्यान एक नंबर हमारे पास है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर जैसलमेर का, का खास क्षेत्र माना जाएगा जहां पर यह पाया जाता है दूसरा हमारे पास में एक जगह है जिसको बोलते हैं सोखड़िया सोखड़िया नाम का एक आखेट निश्चित क्षेत्र है यह राजस्थान के केवल तो केवल अजमेर जिले के अंदर स्थित है यह भी मामला क्लियर तीसरा हमारे पास में सोरसन नाम की एक जगह पड़ती है सोरसन यह सोरसन राजस्थान के बारह जिले में पाया जाता है सॉरी बारह जिले में है ये तीन हमारे पास ऐसी लोकेशन है जहां पर हमारे गोडावन पक्षी को देखा जाता है और गोडावन पक्षी राजस्थान में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर विचरण करता है तो यह गोडावन पक्षी लेके जाना जाता है ठीक है जी जान गया खेजड़ी के बारे में बात होगी चिंकारा पे आगे और बात हमारी हो जाएगी नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है अभी जिसके ऊपर अपने पूरी कुंडली खोल कर गए वही हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है और उस राज्य पक्षी का नाम है गोडावण राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम है गोडावण गोडावन राजस्थान का राज्य के पक्षी माना जाता है सिंपल सी बात है भाई इसके अंदर गोडावन पक्षी हमारे इतना महत्वपूर्ण पक्षी है कि यह तो हो गया हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी ठीक है मान लिया राज्य पक्षी हो गया तीन यह अलग अलग जगह पाया जाता है अब बात करते हैं कुरंजा पे कुरंजा एक ऐसा पक्षी है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कुरंजा जो पाया जाता है ये बाप क्षेत्र में पाया जाता है बाप पड़ता है फलोदी के अंदर दूसरा कुरंजा नाम का पक्षी राजस्थान के ताल छापर ये जो अभ्यारण्य है ताल छापर में पाया जाता है और इसके अलावा कुरंजा हमारे राजस्थान का गीत भी माना जाता है कुरंजा एक विदेशी पक्षी है साथियों कुरंजा गीत भी गाया जाता है कुरंजा एक विदेशी पक्षी है मंगोलिया से आना वाला पक्षी राजस्थान का है तो प्रदेशी पक्षी को महिलाएं जो पुराने समय में देखती थी ना ए कुरंजा जा रहे हमारा साजन का प्रदेश और हमारा साजन न जागे संदेशा दे दे कि तेरी जो घरवाली है तेरे को बुला रही है अब देखो इसको यदि बॉलीवुड के अंदाज में तो गाया जाए तो ऐसे हो सकता है कैसे याद पिया की आने लगी भिगी भिगी रातों में इसी हिसाब से कहने का मतलब है जब महिला को याद आती थी आजकल तो क्या है कि नए नए तरीके से आजकल सोशल मीडिया का जमाना है मैसेज डायरेक्ट डाल लेगी कुरंजा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है डायरेक्ट आजकल कुरंजा का काम व्हाट्स व्हाट्सअप करता है फेसबुक करता है इंस्टाग्राम करता है ज्यादा दिक्कत आ गई कोई प्रदेश कमाने गया तो वीडियो कॉल कर लेती है तो कबूतर का काम बेचारा खत्म हो गया मतलब ये कबूतर ये कुरंजा किसी दिन आंदोलन कर सकते हैं बोलेंगे आजकल हमारी वैल्यू नहीं रही है भाई ये जब से व्हाट्सअप वगैरह आया है इसका भयंकर ऑब्जेक्शन करेंगे हमारा तो काम ही खत्म कर दिया है हमारे ऊपर गीत बनते थे आजकल गीत बनने बंद हो गए जोधपुर आपके फलौदी के पास बाप में एक जगह पड़ती है खिंचन गांव है खिंचन गांव के अंदर सबसे ज्यादा भी कुरंजा उस गांव में देखे जाते हैं ये ट्र ट ऐसे बोलते रहते हैं मोर जो आप देख रहे हो यह मोर उन्नीस में बना हमारे भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है और फिर भी राजस्थान में सर्वाधिक कहा पाए जाते हैं यह राजस्थान में सर्वाधिक सरिस का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं राजस्थान में मोर सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं तो राजस्थान में मोर सर्वाधिक सरिस का नाम का अभ्यारण्य है और यह सरिस का अभ्यारण्य अलवर में पड़ता है यह सरिस का अभ्यारण्य तो सरिस का अलवर अलवर में अभ्यारण्य में यहां पर पाए जाते हैं सारस सारस साथियों राजस्थान के दो क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं सारस एक तो सांबर में पाए जाते हैं और यह भी साइबेरिया से आता है इसकी बहुत प्रजाति है इनकी तो बात ही निराली है ये तो राजस्थान में आते ही हमारे हनीमून मनाने के लिए हैं ये आएंगे दो चार और जाएंगे पूरी फैमिली के साथ मतलब क्या है कि दो दो के जोड़े आएंगे लुगाई आदमी की तरह जोड़े की तरह आएंगे और राजस्थान से यहाँ पूरा पूरा परिवार लेके जाते हैं पूरी पूरी फैमिली लेके जाते हैं आएंगे दो चार जाएंगे छह सात मतलब ऐसे क्या मतलब टोटल संख्या देखे तो लगभग दो पांच हजार आएंगे जाएंगे तो पच्चीस तीस हजार होके जाएंगे मतलब ये हनीमून मतलब लोग तो हनीमून पे घूमने ही जाते हैं ये पूरा परिवार साथ बसा के लेके जाते हैं सर्दी सर्दी वहां क्या जब रूस रूस में मंगोलिया में ठंड भयंकर पड़ती है तब यहाँ का इन्वायरमेंट इनको बढ़िया लगता है तो राजस्थान के सांबर झील में केवला देव में भारत की गोविंद सागर झील पड़ती है हिमाचल में वहां कई जगह पर घूमते रहते हैं इस जगह पर सर्वाधिक अपने को यहां देखने को देखने मिलते हैं जबकि केवला में तो काले सारस भी आते हैं और सांबर में सफेद सारस ज्यादा देखे जाते हैं सिक्सटी नाइन प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं केवला देव अभ्यारण्य को कहते हैं केवला देव राजस्थान में पक्षियों की श्रणस्थली के रूप में जाना जाता है यह हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर तो यह है का पोस्टमार्टम कर दिया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोलता है गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष मनाया गया था यह प्रश्न आपके सामने है है तो इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर लो यह आपका उन्नीस सौ दिमाग पे लोड देना नहीं है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो सोर से नामक एक प्रसिद्ध है सोर से नामक स्थान प्रसिद्ध है पिछला यदि आपने इसकी व्याख्या ढंग से सुनी है तो यह आपके खोपड़ी में जरूर आएगा जेल पेहरी परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है और ये गोडावण की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है क्योंकि तीन स्थान आपको बताए थे सोखड़िया पड़ता है सोखड़िया आपका अजमेर में है सोरसन बारह में है और आपको वो बताया था एक और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर दो जिलों के अंदर है इस तरीके से आप देख सकते हो तो गोडावन पक्षी की शरणस्थली ये मानी जाती है इन ऑप्शन को देखें तो आपका ये उत्तर रहेगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस ये तीन बार लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे पहले तो राजस्थान दिवस की बात करें राजस्थान दिवस जो है तीस मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस तीस मार्च को मनाया जाता है सिंपल सा सवाल दो तरह के सवाल बनेंगे आपकी खोपड़ी घुमाने के लिए दो तरह के सवालों में आपको बताना है एक तो है राजस्थान दिवस केवल राजस्थान दिवस की बात करनी है और एक हमारे पास है राजस्थान दिवस के साथ साथ में राजस्थान स्थापना दिवस राजस्थान दिवस के साथ साथ में हमारे पास है राजस्थान स्थापना दिवस राजस्थान स्थापना दिवस दोनों बातों को समझो ये क्या कहना क्या चाहते हैं राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है तीस मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस एक नवंबर को मनाया जाता है दोनों पे याद रखनी है बात और ये एकीकरण के दौरान ही दोनों तिथियों का विशेष महत्व रहा है 30 मार्च उन्नीस को इसी दिन उन्नीस को राजस्थान के अंदर कई विभागों का विभाजन किया गया था राजस्थान में कई विभाग बना दिए गए थे अब वो राजस्थान के अंदर हमारे कई विभाग है और कौन से कौन सी विभाग है जरा उन विभागों की चर्चा कर लेते हैं उन विभागों के ऊपर क्या कहना है देखो विभाग नंबर एक बात करते हैं सबसे पहले कृषि विभाग विभाग नंबर दो हमारे पास है खनिज विभाग खनिज विभाग के साथ तीसरा विभाग हमारे पास है उसे हम बोलते हैं वन विभाग और वन विभाग के साथ साथ हमारे पास में है न्याय विभाग और न्याय विभाग के साथ साथ में फिर हमारे पास में शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के साथ साथ में हमारे पास है राजस्व विभाग इतने सारे हमारे पास में विभाग हैं अब इन विभागों को आप मद्देनजर यदि रखते हैं तो आपका जवाब होगा कृषि विभाग ये राजस्थान के जिस जिले में है जहां के अभी सीएम बने राजस्थान के वहीं के भजन लाल जी का एरिया आएगा कृष्ण मीना अलवर थानागा क्षेत्र प्रतापगढ़ राम राम सर जी राम राम नवदीप आपको भी राम राम क्या बात है ठीक है विनोदा पूरा इधर ध्यान दो बातें नहीं करनी है विनोद क्लास ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं है पूरा प्रॉपर ध्यान दो खनिज विभाग खनिज विभाग की जरा बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान के उदयपुर में आएगा खनिज विभाग फिर आप देख रहे हैं वन विभाग वन विभाग कोटा को दिया गया कोटा में वन विभाग है न्याय विभाग जोधपुर में दिया गया और न्याय विभाग जोधपुर में है जबकि हाई कोर्ट हमारे राजस्थान में दो है एक जोधपुर में उसकी ब्रांच हमारे जयपुर में शिक्षा विभाग जिसको दिया गया शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया ये लो जी बीकानेर में हमारा शिक्षा विभाग है और राजस्व विभाग की बात करें तो ये हमारे राजस्थान के कौन से जिले में आएगा अजमेर जिले में हमारे राजस्व विभाग यहां पर आएगा चलिए ओके रिपोर्ट एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ये हो गया इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो लाडले बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में देखा जाए तो साथियों जैसलमेर जिला है एकदम सही उत्तर अब जैसलमेर जिले की पूरी इसकी व्याख्या खोल देते हैं यदि ओल्ड डेटा में ही देखा जाए तो जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर था ओके इस जैसलमेर का एक एरिया था जिसे बोलते हैं नोक क्षेत्र और नोक क्षेत्र जैसलमेर से वर्तमान में काट लिया गया है यह इसे काट लिया गया और यह इसे काटकर जिस जिले में मिलाया गया है वह है आपका फलोदी फलोदी में मिलाया गया है फलोदी काट लिया है फलोदी में फलोदी दे दिया है। फलोदी में दिया गया है नोक क्षेत्र अब इसकी राजसभा रिपोर्ट तो आई नहीं सर ऑल इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा जिला है ऑल इंडिया में सबसे बड़ा जिला आपका आ जाएगा कच्छ दूसरा लेह तीसरा जैसलमेर तीसरा भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर हमारा माना जाता है सुनते जाओ आप पहले काम की बात सुनो अड़तीस पुराने डेटा में था डेटा यदि अब नया भी कर देना तो भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही रहेगा एक बात और देखना जैसलमेर जिला पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का जैसलमेर जिला राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22 प्रतिशत भाग है एक और तकड़ी बार सुनो कि जैसलमेर जिला विश्व के में देशों से बड़ा है विश्व के में देशों से बड़ा है जैसलमेर जिला विश्व के कितने देशों से बड़ा है लाडलो ये विश्व के में देशों से बड़ा है हमारा जैसलमेर जिला विश्व के में देशों से बड़ा जिला कौन सा होगा वो हमारा जैसलमेर जिला होगा भाई और बताऊं आपको जैसलमेर के बारे में सुनते जाओ जैसलमेर कितना इंपॉर्टेंट है जैसलमेर के बराबर यदि और आप वार्ता देखते हो इस जैसलमेर को कहा जाता है इसको बोलते हैं राजस्थान का अंडमान इसको बोलते हैं राजस्थान का अंडमान जैसलमेर जिले को कहा जाता है राजस्थान में येलो सिटी या राजस्थान की इसे कह सकते हैं ब्राउन सिटी ब्राउन सिटी ऑफ राजस्थान कौन सा होगा जो हमारा जैसलमेर होगा इस तरह से और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला भी यही है भारत का कितवा तीसरा सबसे बड़ा जिला भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा तीसरा जिला यदि हो कोई होगा तो वो हमारा जैसलमेर जिला होगा थोड़ा सा इसको काटा गया था ज्यादा तो इसको नहीं काटा तो ये हमारा जैसलमेर जिला नेक्स्ट देखो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम व्यवस्थित करो इसके लिए हमें जरूरत है मानचित्र की लो जी मानचित्र की आवश्यकता है तो मानचित्रों को इस प्रकार से आप इसके बराबर लगा सकते हो और देख सकते हो ये लो जी हमारा हो गया मानचित्र जरा कवर करके देखें आप हाँ किस रीजन से बोल देते हैं सर इसे अंडमान विदो विनोद जी इसको अंडमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर डेजर्ट और डेजर्ट के डेजर्ट एक प्रकार से समुद्र की तरह आ, समुद्र का अवशेष माना जाता है और विशाल थार के मरुस्थल के बीच में छोटा सा कस्बा जिस प्रकार बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार स्थित है उसी हिसाब से डेजर्ट के हिसाब से एक द्वीप की तरह काम करता है उसी हिसाब से चार आपके पास जिले कर्म सेट करके बताओ सबसे पहला है श्री गंगानगर और गंगानगर आप जानते हो साथियों यहां पर आ गया आपका गंगानगर दूसरा है जालोर लो जी जालोर की लोकेशन दूसरा जालोर तीसरा आप देख पा रहे हो यहां पर आपका जोधपुर और चौथा आप यहां पर देख पा रहे हो आपका बीकानेर यानी क्रम आपको सेट करके बताना है इसका क्रम आपके सामने बैठेगा एक चार तीन दो कहां पर है एक एक चार तीन दो ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर एक चार तीन दो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा लो जी कर्म आपके सामने है चलो जी, जी। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से कवर कर दिया और इसको कवर करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर जरा क्या कहता है नेक्स्ट बिंदु गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था कब किया गया जरा बताइए तो साथियों ज्यादा नए इधर उधर बात घुमाते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। बारह जुलाई उन्नीस को राजस्थान का इकतीसवां जिला एक बनाया गया और उस इकतीसवें जिले का नाम था हनुमानगढ़ जरा आप देखेंगे हनुमानगढ़ के बारे में वो बातें जो सीधा पेपर के साथ कनेक्शन रखती है हनुमानगढ़ ये हमारे राजस्थान का इकतीसवां जिला है राजस्थान का कौन सा जिला है ये हमारे राजस्थान का इकतीसवां जिला है एक नंबर बात तो ये दूसरी बात यह हनुमानगढ़ नगर की स्थापना कब हुई थी तो याद रखना हनुमानगढ़ नगर की स्थापना सन 1805 में बीकानेर के राजा महाराजा सूरज सिंह ने की थी 1805 के अंदर हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ को राजस्थान के कई उपनामों से जानते हैं सबसे पहले हम लोग इसके प्राचीन नाम के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था जरा प्राचीन नामों के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों राजस्थान के प्राचीन नामों में यदि हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम था बटनेर हमारा प्राचीन नाम था आज इस हनुमानगढ़ के अंदर कई हमारे दर्शनीय स्थल है जिनके दर्शन बड़े शुभ माने जाते हैं दर्शनीय स्थलों में देखा जाए तो सबसे पहले अपने को हनुमानगढ़ में मिलेगा वो है भद्रकाली माता का मंदिर यहां पर आपको मिलेगा माता का मंदिर माता का मंदिर साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है दो नंबर बात हम लोग यहां देखते हैं तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट है गोगामेडी गांव के अंदर नौ तहसील गोगामेडी का विशेष मंदिर यहां पर स्थित है पल्लू क्षेत्र के अंदर यहां पर ब्रह्मणी माता का मंदिर बड़ा फेमस है ब्रह्मणी माता का मंदिर यहाँ का बहुत पॉपुलर मंदिर माना जाता है यह तीन यहाँ के दर्शनीय स्थल के अंदर यहाँ पर रहेगा राम सिंह जी महिया आपको भी गुड इवनिंग विनोद बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं गोगा मेडी बिल्कुल ही गोगा आप सही बोल रहे हैं यह हनुमानगढ़ का दर्शनीय स्थल में से यहाँ पर प्रॉपर रहने वाला है हनुमानगढ़ एक तकड़ी बात हनुमानगढ़ के बारे में मैं और आप सबको बता देना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन से प्रदेश के अंतर्गत कौन से जनपद के अंतर्गत आता था इसको योद्धे जनपद या योद्धे प्रदेश के अंदर माना जाता था और इसको साहित्य के अंदर सोडावाटी के नाम से भी जाना गया है हनुमानगढ़ गंगानगर का प्रदेश सोडा वाटी के लाया करता था लेकिन आजकल इस प्रदेश के अंदर विलुप्त प्राय प्रजाति की एक नदी जिसको घग्गर नदी बोलते हैं जो बरसात के टाइम में कुछ पानी लेकर आती है और इस घग्गर नदी का भाव क्षेत्र है उसको हम लोग नाली प्रदेश के नाम से जानते हैं और आज हनुमानगढ़ के मध्यस्थ भाग को नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है यह हनुमानगढ़ की वो फैक्ट है जो पेपर में सीधा आपका कनेक्शन रखते हैं चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छोटा जिला कौन सा है? देखिए विद्यार्थियों यदि इन ऑप्शंस को आधार रखे 2022 के पुलिस के पेपर को आधार रखे तो तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा दो जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला माना जाता है लेकिन अगस्त तेईस की जैसे ही हम लोग अधिसूचना और रिपोर्ट जरा न्यू डेटा की देखते हैं तो उस डेटा के अंदर राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है वो दुद्दू माना जा रहा है क्षेत्रफल का राजस्व डेटा अभी अपने पास में नहीं है अपने पास ही नहीं किसी के पास में नहीं राजस्व देगा तभी अपने इसको जारी करेंगे तो दुद्दू राजस्थान का नए डेटा के हिसाब से पूछ लिया जाए तो दुद्दू करना होगा दुद्दू अब ऑप्शन में दो सा ही केवल रखा हो पेपर में पशु परिचर में तो आपको केवल यहां पर दो करना होगा और रखा हो तो मित्रों ही करना होगा वरना हमारे क्वेश्चन के अंदर भंडा हो जाएगी बहुत तकड़ी वाली तो आप यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे राजस्थान का जो दोसा जिला आप देख रहे हैं यह दोसा जिला कोई नॉर्मल जिला नहीं है मित्रों यह दोसा वो जिला है हमारे राजस्थान का जहां पर गुजरों ने राज किया है राजस्थान के एक प्रतिष्ठित समाज को मैं जानता हूं जिसका नाम है गुजर गुजर समाज का जहां पर शासन हुआ करता था बड गुजरों का वो प्रदेश दोसा है इस दोसा के अंदर मित्रों एक आभानेरी नाम की जगह आपने सुनियोगी जो हर्षद माता के लिए जानी जाती है और साथ में यहां पर एक बावड़ी बड़ी फेमस है मित्रों जिसका नाम चांद बावड़ी है संसार की सबसे बड़ी बावड़ी के रूप में इसकी पहचान है यह दोसा मित्रों जो आप देख पा रहे हो ये एक नदी किनारे स्थित है उस नदी का नाम है आप उस नदी को कह सकते हो बाण गंगा नदी या इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है यह बाण गंगा नदी के किनारे स्थित आपका यह स्थान जो प्राचीन काल के अंदर एक बहुत ही अद्भुत स्थान आज नदी तो है पर उसमें पानी नहीं है ये स्थान जो आप देख पा रहे हो मित्रों लालसोट यहां की तहसील इस दोसा की तो ये प्रमुख प्रमुख स्थान हमारे इस प्रदेश के हैं जो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट आप देख रहे अगला क्वेश्चन राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है रिसेंटली साथियों पुलिस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है पूरा इस प्रश्न का जवाब दीजिए राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा जा चुका यह प्रश्न और इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा यह सही उत्तर इसका होगा ढूंढाड़ प्रदेश अब मैं इस एरिया के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं मित्रों ये जयपुर जो आप देख रहे हैं यह जयपुर हमारे राजस्थान के जिस प्रदेश के अंदर आता है वो है इसका ढूंढाड़ प्रदेश मित्रों आप इस बात को समझना जयपुर ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है यहां प्राचीन समय में एक नदी थी उसका नाम था ढूंढ नदी और ढूंढ नदी के कारण ही साथियों इसको ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना गया एक तिथि है जिसे बोलते हैं 18 नवंबर 18 नवंबर सत्रह 18 नवंबर सत्रह को एक छोटे से नगर के रूप में स्थापित हुआ था को जयनगर के रूप में जाना गया और यह जयनगर ही आगे चलकर किस रूप में पहचाना गया जयपुर के रूप में पहचाना गया जयनगर ही को ही जयपुर कहा गया आगे चलकर और इस जयपुर की स्थापना अठारह नवंबर सत्रह को हो जाती है इस जयपुर को हमारे राजस्थान में इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है मित्रों इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है इसे हमारे राजस्थान की पिंक सिटी भी कहा जाता है इसे हमारे राजस्थान की पिंक सिटी कहा जाता है और इसी के साथ मित्रों भाई और बहनों इस जयपुर को पन्ना नगरी के रूप में देखा जाता है इसको पन्ना नगरी के रूप में मित्रों देखा जाता है इतने सारे जयपुर के कुछ मुख्य फैक्ट जो पेपर में सीधा कनेक्शन रखते हैं नेक्स्ट आप अगला पॉइंट यहां देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मित्रों विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है व्हाट इज गोलार्ध क्या होता है गोलार्ध जरा साथियों गोलार्ध की बात करते हैं क्या होता है गोलार्ध अभी गोलार्ध की बात करते हैं गोलार्ध की चर्चा करते हैं मित्रों आप सब देख रहे हैं आपके सामने पृथ्वी लंबी होकर आ चुकी है आप देखेंगे पृथ्वी हमारी लंबी होकर हमारे बीच में आ चुकी है हमारे पृथ्वी में देखोगे तो सबसे मुख्य यहां पर एक रेखा आएगी जिसका नाम है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है इसी के साथ एक रेखा मित्रों जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं छोड़ो उसको रेख रेखा हमारी जिसको हम जीएमटी रेखा के नाम से जानते हैं यह हमारा पूर्व हो गया यह हमारा पश्चिम हो गया ये हमारा उत्तर हो गया और यह हमारा दक्षिण हो गया चार दिशाओं को ध्यान में रखते हैं तो मित्रों इनके चार ग्रिड वाली डायरेक्शन भी निकल कर आती है तो यहां पर आप दिमाग लगाते हो तो ये दिशा जो बीच वाले निकल कर आई है इसको पूरे पृथ्वी के लोकेशन के आधार पर पूर्व उत्तर पूर्व के नाम से इसको जानेंगे और हमारा भारत पूरा इसी उत्तर पूर्व में स्थित है यहीं पर ही हमारा भारत आता है और यहीं पर आप भारत को साथियों टारगेट करके देख सकते हैं और आप देखोगे कि हमारा सुंदर सा भारत आप देखिए ये भारत यहां पर स्थित है मित्रों आप देख पा रहे हैं ये भारत हमारा यहां पर स्थित है और ये भारत जब यहां है तो राजस्थान भी यहां होगा और पूरे विश्व के स्तर पर देखते हो तो हमारा भारत आज विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है इस तरीके से साथियों हमारा ये मामला कवर होता है हो गई बात कवर नेक्स्ट अब आप यहां पर देखते हैं कि गोलार्थ की बात जब कंप्लीट होती है और अगला पॉइंट हमारे पास क्या कहता है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है अब यह कहना चाहता है कि यदि आप सभी राजस्थान के मानचित्र पर जैसे मान लीजिए यह आपके पास राजस्थान है राजस्थान में इस तरह से पूर्व से पश्चिम आप लीक खींचते हैं और उत्तर से दक्षिण आप ऐसे लाइनिंग करते हैं यानी यह कहना चाहता है कि आठ में से 826 को यदि घटा दिया जाए तो आपका कितना उत्तर आएगा आपका उत्तर 43 आएगा जहां पर 43 दिख रहा है उसको चेक टेक टेक दो यही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका बैठने वाला है राजस्थान पूर्व से पश्चिम आठ किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण राजस्थान आठ किलोमीटर है मित्रों इस प्रकार से आप ये प्रोग्राम पूरा समझ सकते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन हमें कहता है राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है यही बात है मनदीप नोट्स खोल रखे यार मनदीप का कुछ ही नहीं कह सकते मनदीप क्या है कि ब्रांड आदमी है अरे ब्रांड आदमी जो होते हैं ना अरे ब्रांड आदमी कुछ ही कर सकता है तो जितने विद्यार्थी बैठे हैं क्लास के विद्यार्थी हैं टीपना नहीं है कॉपी खोल के जवाब दोगे तो शराब दे दूँगा आपको पहले बता रहा हूँ कॉपी बंद करके पहले रीडिंग मारी जाती है फिर क्लास के अंदर साथियों काम करना पड़ता है हाँ तो यहां पर नक्ल नहीं मारनी आपको पहले बता देता हूं राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है अभी पिछले क्वेश्चन में कवर करके गए हम लोग उत्तर से दक्षिण का विस्तार राजस्थान के अंदर 826 किलोमीटर है तो टेक दो 826 किलोमीटर ये लो हो गया अब आगे चलो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटने का काम करती है ये कहना चाहती है कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम यदि लंबवत खींचे जाए और उन लंबवतों का यदि अंतराल कहीं पर बनता है तो वो कहाँ बनता है ये आपसे कहना चाह रहा है तो अभी देख लेते हैं कहाँ पर बनता है ये लो साथियों आप देख लो और दिमाग लगा दो कहां पर बनता है यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण यूं लाइन खींचते हैं एक तो ये आ गई आपकी दक्षिण तक और फिर आपकी पूरब से पश्चिम की ओर लेकर जाते हैं तो इस प्रकार से जो क्रॉसिंग दोनों की जो हुई है दोनों की वो क्रॉसिंग साथियों जिस जिले के अंदर हो रही है वो आपका नागौर जिला है और हमारे राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु जो है हमारे राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु उस मध्यस्थ बिंदु का नाम है लापोलाई इसको क्या बोलेंगे इसको लापोलाई बोलेंगे लापोलाई नामक स्थान राजस्थान के विभाजन के बाद भी नागौर जिले के अंदर ही रह गए लापोलाई नाम है उसका एक बात और बता दूं राजस्थान की हमारे यहां पर तीन प्रकार की रिवाज होती है उन रिवाजों में एक होती है मृत्यु की रिवाज मृत्यु से संबंधित रिवाज उन मृत्यु की रिवाजों में एक रिवाज होती है लाम्पो लाम्पो देना मृत्यु की रीति रिवाज होती है यानी कि जो मृतक शरीर होता है उस शरीर को अग्नि देने का जो काम किया जाता है उसको लाम्पा देना या लाम्पो देना बोला जाता है यानी मृतक शरीर को पार्थिव शरीर को अग्नि देने का काम भी क्या किया जाता है राजस्थान में लांपा देना या लोपा लोम्पा देना इसको कहा जाता है ओके चलो जी ये भी हमारा कंप्लीट होता है अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जरा क्या बोलता है देखो जरा अगला पॉइंट कहता है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है इनमें से सही बात निकालनी है, बाकी इसकी बाहर निकाल दो कौन सी बात क्या है इसका आकार विषम कौन चतुर्भुज के सम्मान है हा है ना राजस्थान का आकार आप यह नहीं आए तो पतंगा आकार भी कह सकते हो राजस्थान का आकार आप रोहम्बस के सम्मान भी कह सकते हो और राजस्थान का आकार आविश्म कोण चतुर्भुज भी कह सकते हो यह बातें आपकी सारी रहेगी और यह रोहम्बस की आकृति राजस्थान की बताने वाला जो अंग्रेज विद्वान है उस अंग्रेज विद्वान का नाम है टी एच हैंडले टी एच हैंडले कहते हैं उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार कितना है आठ गलत बोल रहा है राजस्थान का विस्तार आठ है उत्तर से दक्षिण इसकी स्थलीय सीमा पांच हजार छह हजार नौ सौ बीस किलोमीटर है बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहा है क्योंकि राजस्थान की सीमा पांच हजार नौ सौ बीस किलोमीटर है यह हमें पप्पू बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम बनेंगे नहीं इसके अंदर हमारे पास ब्रांडेड विद्यार्थी है इसका क्षेत्रफल तीन लाख बयालीस हजार तीन सौ वर्ग किलोमीटर है बिल्कुल भी नहीं है साथियों गलत बात कर रहा है क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल तीन लाख बयालीस हजार दो सौ गुणचालीस पॉइंट सात चार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इस तरीके से साथियों आप देख सकते हैं राजस्थान का हमारा टॉप से टॉप का एकदम ब्रांडेड साथियों हां तो यह राजस्थान का क्षेत्रफल है ठीक है यह देखो तीन फैक्ट इसके गलत है एक सही है यानी पहला ही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे जो आप यहां पर देख पा रहे हो नेक्स्ट जरा आप यहां देखो क्या कहना चाह रहा है राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है अभी देख लेते हैं कौन सा नहीं है राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः उत्तर से दक्षिण तो देखो आ, सही नहीं है राज्य का उत्तर से दक्षिण जो है ना ये तो 826 है या आठ सौ बता रहा है तो पहला ही एक तो गलत है राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के सम्मान है है ना राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं की क्रमशः लंबाई जो है यह अड़तालीस सौ पचास एक हजार सत्तर बिल्कुल है ना सही बोल रहा है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का दस पॉइंट चार एक प्रतिशत के बराबर है एकदम बराबर है तो हमारा यहां पर सही उत्तर निकल कर जो आएगा वो ये वाला उत्तर बनेगा कौन सा एक नंबर इसका बिल्कुल सही बैठेगा क्योंकि जिस हिसाब से पूछ रहा है वो यही सही बैठेगा फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमश बता दो तीन अलग अलग परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है आप यहां देखेंगे तो और ये राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमश यदि है क्रमश की साथियों यहां पर अपन बात करते हैं तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आ, उत्तर से दक्षिण 826 यानी पहला ही इस प्रश्न का एकदम करेक्ट उत्तर हमारा यहां पर बैठने वाला है तो ये जी आप यहां पर एक नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा लो जी बिठा दिया उत्तर एकदम परफेक्ट है नेक्स्ट आप यहां देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है बिल्कुल सिंपल सवाल है जरा आप देखो हमारे भारत का क्षेत्रफल है बत्तीस लाख सत्यासी हजार दो सौ तिरसठ किलोमीटर स्क्वायर जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.41 परसेंट भाग है इस क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत या आप यूं कहो एक बटा दस भाग एक बटा दस भाग हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान का क्षेत्रफल तीन लाख बयालीस हजार दो सौ किलोमीटर स्क्वेयर इसका क्षेत्रफल है और इसका वर्ग मील में एक लाख बत्तीस हजार एक सौ वर्ग मील टोटल इसका क्षेत्रफल माना जाता है दरअसल देखिए कितना शानदार फैक्ट है यह राजस्थान का क्षेत्रफल आज विश्व के 128 देशों से बड़ा है विश्व के एक देशों से ये बड़ा है देखिए राजस्थान कितना ब्रांड है आप समझिए राजस्थान एक नंबर स्टेट हो गया और इसी हिसाब से देखा जाए राजस्थान भारत में भी प्रथम स्थान पर रहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से आज जिलों की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत विश्व भारत में तीसरे स्थान में है और पूरे भारत में जिलों के हिसाब से तीसरे स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान पहले स्थान पर है ओके okay, रिपोर्ट इसी को साधते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो मित्रों आप यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है साथियों और जयपुर में 2011 के अनुसार देखा जाए ना तो जयपुर जयपुर में केवल छियासठ लाख भाई जनता है यहां पर केवल और क्षेत्रफल में देखा जाए क्षेत्रफल में देखा जाए तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो या एरिया माना जाए तो वो जैसलमेर माना जाएगा और शहर तो ऑल ओवर क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो हमारा जयपुर ही आएगा हाँ तो दोनों बात आप समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाहता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है देखिए कितना सुंदर प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है तो मित्रों ये स्थान की बात जब कर रहा है हमारे से तो स्थान तो बहुत शानदार है अभी बताकर गई है एक नंबर इनकी पहला स्थान है बिल्कुल एक नंबर आपको यहां करना होगा हमारा यहां पर पहला स्थान रहेगा नेक्स्ट आप देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के सहलग्न जिले कौन से हैं बात आती है लग्न क्या होता है ये लग्न सह लग्न को जरा मैं समझाता हूं मित्रों आपको लग्न के बारे में बताता हूं जैसे कि आप सब विद्यार्थी देखेंगे कि लगन है ये जिले निकालो पहले कौन से कौन से कह रहा है देखो शिरो बाड़मेर जैसलमेर सिरोई के साथ में जालोर लगता है झालावाड़ बुंदी टोंक देखो झालावाड कह रहा है कौन सा जिले सहलगन जिले हैं अच्छा इनमें से है कौन सा आपस में चिपके होना चाहिए कहने का मतलब यह है सिरोही बाडमेर जैल देखो जैसलमेर सिरोही के बाद बाड़मेर आ रहा है जैसलमेर आ रहा है बीच में जालोर उनको अलग कर रहा है यानी एक नंबर नहीं होगा झालावाड़ बुंदी टोंक झालावाड़ के बाद कोटा होगा फिर बुंदी है, यानी दूसरा भी नहीं होगा गलत है सिरोही पाली जालोर सिरोही के बाद पाली पाली के बाद जालोर आपस में तीनों जुड़े हुए हैं तीनों चिपके हुए हैं ये वाला उत्तर आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा चूरू झुंझुनू चूरू झुंझुनू जयपुर झुंझुनू जयपुर आपस में टच नहीं है यानी यह भी आपका गलत हो जाएगा चौथा भी आपका गलत गया यहां पर काट दो नेक्स्ट देखो क्या बोलता है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है विश्व के एक सौ अठानी टू देशों से बड़ा है बारह पॉइंट छ गुना बड़ा है हमारा जैसलमेर यह भी हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है इनमें सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा यह खोपड़ी आपको लगानी है और खोपड़ी लगाते हुए आपको यहां पर जवाब देना है दीजिए मित्रों यहां पर जवाब क्या जवाब देना है आपको जरा देखो सिंपल सा है यहां पर आप जरा देखो राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है सुदूर दक्षिण में जो स्थित है एक तो है आपका मेड़ता सिटी मेड़ता सिटी आपका नागौर जिले में यहां पर आएगा एक नंबर ऑप्शन सोजत आएगा पाली में एंट्री करते यहां पर दो नंबर आएगा तीसरा मारवाड़ जंक्शन फिर आपका मारवाड़ जंक्शन आ जाएगा फिर है राजसमंद राजसमंद आ जाएगा यानी इनमें राजसमंद देखिए सबसे दक्षिण में आता है सुदूर दक्षिण मतलब इन चारों में सबसे दक्षिण कौन सा है तो आपका जवाब हो जाएगा राजसमंद और हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा राजसमंद यहां हो जाएगा मित्रों परेशान होने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है मस्त रहो बिंदास रहो एकदम एक्टिव होकर रहा करो और प्रश्नों का जवाब भी सुंदर तरीकों से आप भी दिया करो आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों आप देख रहे हो कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है आप देखेंगे कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है तो यह क्षेत्रफल हमारा इनमें से जर्मनी के बराबर माना जाता है चिको के बराबर है इंग्लैंड के बराबर है सुदूर वेस्ट का क्या मीन होता है सुदूर सुदूर दक्षिण पूछा है सुदूर का मतलब था सबसे लास्ट जब से सबसे लास्ट सुदूर दक्षिण बताओ सुदूर पूर्व बताओ तो आप इस तरह दिमाग लगा सकते हो सुदूर का मतलब सबसे दक्षिण या सबसे लास्ट का होता है सुदूर उत्तर बताओ तो सबसे उत्तर उत्तर कोणा राशन का कोणा गांव उत्तर में आ जाता है इस तरीके से आपको यहाँ पर दिमाग लगाते हुए और बताने की आवश्यकता है इस प्रश्न के अंदर साथियों चलो ये वाली आपकी बात कंप्लीट होती है आज हमारी क्लास इतनी रहेगी लाडले बच्चों कल आप सभी विद्यार्थियों को क्लास में एक्टिव होकर आना है शाम को सात बजे साथियों पाँच मिनट पहले आप कमेंट करने लगे जाओ पाँच मिनट पहले क्लास में हाजिर हो जाओ और रेगुलर साथियों क्लास आपकी रहने वाली है थोड़ी देर बाद हमारे अशोक सर की क्लास रहेगी उसमें इतिहास कला संस्कृति का तथ्य आप सबके बीच में रहेगा साथियों कोई भी आपका क्वेश्चन हो जीके से संबंधित आप क्लास में बेश्रम होकर कर सकते हैं मेरी क्लास में किसी भी क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने के लिए कोई आप रोक टोक नहीं है कोई भी क्वेश्चन आपके खुल के पूछ सकते हैं कोई आपके लिए मना ही नहीं है किसी भी स्तर का क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं सर आप वाली कब आ रही है सर मतलब आप वाली क्या मतलब है अच्छा मेरी खुद की क्लास अच्छा अपने यूट्यूब दूसरे वाले पे दूसरे वाले पे साढ़े आठ बजे आएगी साढ़े आठ बजे ओके हाँ तो सभी विद्यार्थी एकदम एक्टिव रहो मस्त रहो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर साथियों जय हिंद जय भारत बाय बाय Thank <laughs> you.